কলকাতায় প্রচার করছে। कोई नई बात हुई क्या? अरे ये बदमाश फिर से बाइक के साथ कुछ चक्कर चला रहा है, बहुत ही बिगड़ गया हरामखोर। कौन? गणेश? हाँ। तुम तो हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे। हाँ करता था, लेकिन अब आपके ज्ञान की जरूरत है उसे। मैंने तो उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके कानों में जूं तकरी रही। क्या ज्ञान दूं उसे, पात्र भी तो सही होना चाहिए। तुम पर मेरे ज्ञान का कुछ असर पड़ा है? बिल्कुल नहीं, पर शायद उस पर पड़े। थोड़ी कोशिश तो कीजिए। लीजिए आ गया। क्यों गणेश, क्या सुन रहा हूं मैं तुम्हारे बारे में? सर अभी बात नहीं कर सकता, इनके सामने कैसे? मुझसे संकोच की जरूरत नहीं है, बेझिझक कहो। तुम साफ साफ अपने मुंह से कहो गणेश, मेरे गुस्से के बारे में तो पता तुम्हें। तो ऐसा हुआ सर, हम सब नवरात्रि की पूजा में बाहर गए थे, वहां लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि चलो जरा मेरे घर तक आओ, प्रसाद का सामान भूल गई। ओह, तो मतलब ये कि लक्ष्मी ने तुम्हें गुमराह किया? जी सर, एक तरह से कहे तो हाँ। मैं तो यही जानता हूँ सर कि जब तक औरत ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तुम साफ साफ अपने मुंह से कहो गणेश, तुम बच्चे के बाप हो या नहीं? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ? क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या? सर ये कैसी बात है जो ठीक से कौन ही कह सकता? तो मतलब ये कि तुम शिंदे पर इल्जाम लगाना चाहते? सर मैं क्यों किसी पर इल्जाम लगा? पर तुमने तो लक्ष्मी से कहा था ना कि तुम उससे शादी करोगे। सर वो तो कहना ही पड़ता है। सुन रहे हैं आचार्य जी, देख रहे हैं इन लोगों की नैतिकता? ये तो होता ही रहा है घरों में। सुनो गणेश, तुम काफी समझदार हो ये बताने के लिए कि पिता तुम हो या नहीं। बात सही है आचार्य जी की, मैं लक्ष्मी, लेकिन आचार्य जी आप भी जानते हैं इन सबसे कुछ नहीं निकलने वाला। देखो गणेश, इस वक्त हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, शादी के लिए तुम्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बेचारी अकेली बच्चे को कैसे पालेगी? अरे उसकी जिम्मेदारी तो तुम ले ही सकते हो। लेकिन वो शिंदे को भी कुछ करना होगा, मैं अकेले क्यों? मामला कोर्ट में तय होगा गणेश, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जाओ तुम, जाओ यहां से भी। जी सर। एक मिनट गणेश। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक औरत को उसके बच्चे के साथ उसी के हाल पर छोड़ देना जुल्म है? इस तरह से तुम धर्म का आचरण भी नहीं कर रहे और साथ में पाप अर्जित कर रहे। हाँ पक्का पता होता कि असली बाप नहीं है, पर यह बात पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मजाक नहीं है कि सारी जिंदगी दूसरे के बच्चे पर अपने पैसे खर्च करो। आप समझ रहे हैं सर? अभी तुम जाओ गणेश यहां से। ठीक है सर। और खबरदार जो लक्ष्मी के आसपास भी दिखाई दिए। जी सर। इडियट। आचार्य जी आपने कुछ कहा ही नहीं। मैंने बात तो की। अरे ज्ञान की बात जोश से कहनी पड़ती है, जिससे उसकी आत्मा को झकझोरा जा सके। आप तो एकदम से सॉफ्टली बात कर रहे थे, उसका क्या असर पड़ता? सच कहूं तो मुझे ये साफ ही नहीं था कि गलती किसकी है। लड़की के साथ तो बुरा हुआ ही, पर गणेश अगर बच्चे का पिता नहीं तो फिर उस पर भी जुल्म होगा। लक्ष्मी तो बच्चे को किसी अनाथालय में छोड़ सकती है और अपना जीवन नए तरह से शुरू कर सकती है, पर कोर्ट में अगर गणेश को गिल्टी बताया है तो उस पर भी एक दाग लगेगा और नौकरी में भी असुविधा हो। गणेश उतना भी सीधा नहीं है आचार्य जी जितना आप समझ रहे हैं। खैर जाने दीजिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे उसके आने से पहले? हाँ रश्मि की रजामंदी के बारे में। नहीं नहीं सिर्फ उसकी रजामंदी नहीं, बल्कि उसकी एजुकेशन और उसके फ्यूचर के बारे में। ये घर तो औरतों से भरा जो अपने ढंग से रश्मि का फ्यूचर बनाना चाहती है। हमारी सास चाहती है कि वो योगा सीखे और अपने एक सेंटर बनाए,
दीपा चाहती है कि वो एक आर्टिस्ट बने, हमारी बूढ़ी ताई चाहती है कि वो नर्स की ट्रेनिंग करे, उसकी उसकी ट्यूशन टीचर उसे सलाह देती है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। यहाँ सबकी अपनी अपनी राय है और जिसकी राय की सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए उसकी कोई नहीं सुनता। तुम्हें सबको कंट्रोल करना चाहिए और उन्हें जरूरी मामलों में उतना ही दखल देना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। बहुत अच्छे, अब आप ये भी बताइए कि कैसे। कड़ा अनुशासन। दीपा जो मेरी अपनी बहन है उसे भी अनुशासन में ही पाला गया, पर फिर भी वो मनमानी करती थी घर में। आप दीपा के अपने फॉल्ट्स तो हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है दीपा की वजह से ही ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वही तुम्हें ज्यादा परेशान करती। पूरा घर पार्लियामेंट हाउस बन गया, सुबह शाम इस घर में एक ही मुद्दे पर बहस होती। दीपा रश्मि को यहां से बाहर नहीं जाने देना चाहती और मैं चाहता हूं कि वो इस छोटे शहर से बाहर जाए, मुंबई। मैं जानता हूं दीपा ऐसा होने नहीं देगी। बचपन में पता है वो क्या करती थी? जमीन पर लेट जाती थी एक लाश की तरह, और तब तक लेटी रहती थी जब तक अपनी बात मनवा न ले। बहुत जिद्दी है। अच्छा, बचपन से ही ऐसी है वो? कभी कभी उसका गुस्सा इतना तेज होता है कि डर लगता है कहीं मेंटली बीमार ना हो। खैर, रश्मि के लिए तुमने क्या सोचा है? मैं चाहता हूं कि वो एक टीचर बने और जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वो अपने खर्चे खुद उठाए। शादी के बाद उसकी एजुकेशन उसके बच्चों की परवरिश में बहुत काम आई। क्या कहते हो? सही सोचा है। वैसे मैंने सुना था कि उसकी पेंटिंग में अच्छी दिलचस्पी है और कुछ अच्छी पेंटिंग्स बना लेती है वो। अरे बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ एक बहुत अच्छे पेंटर को उसकी पेंटिंग्स दिखाई थी, उसने कहा कि बच्चों के लेवल की पेंटिंग्स है ये, लेकिन दीपा को विश्वास ही नहीं हुआ। वही तो मुश्किल है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी अगर उसकी बात नहीं मानी गई, और फिर सपोर्ट के लिए उसके घर में दूसरी औरतें हैं ही। अरे उसने तो अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी, सुबह शाम इस घर में बहस होती है कि रश्मि का फ्यूचर क्या। रश्मि की एजुकेशन से ज्यादा तो ये आदमी और औरत की लड़ाई हो गई। खैर छोड़ो, तुम रुक रहे हो ना डिनर के लिए? वो डॉक्टर भी आने वाला है थोड़ी देर में, तुम मिले हो ना उससे? हाँ, एक बार नजर पड़ी थी आते जाते, काफी डिसेंट लगा। तुम्हें लगता है वो मेरी साइड लेगा? हो सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि औरतों को वो कितना समझता है। अच्छा मैं चलता हूँ महेश, और तुम अपना ख्याल रखो महेश, तुम्हारे भी कुछ ठीक नहीं लग रही। ये आइडिया दीपा ने शायद तुम्हारे दिमाग में डाला होगा, है ना? पिछले 10 साल से वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे जैसे मेरी एक टांग कब्र में लटकी हुई है। दीपा ने? नहीं तो जो तुम्हारे चेहरे का रंग देख करके लगा कि जाने दो। गुड नाइट, और दीपा को भी गुड नाइट कह देना। अगर तुम फ्री हो तो एक मिनट। हाँ बोलो। नहीं तुम बिजी हो तो बाद में। कुछ खास बिजी नहीं, वो घर खर्च का पैसा ना। हाँ। तुम हिसाब रखा करो, मुझे भी दिया करो। अब मुझे हिसाब भी देना होगा? हाँ बिल्कुल, आजकल काफी तंगी है, हमें पता होना चाहिए कहाँ कितना खर्च हो रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये अकाउंट से पता चल जाएगा। पेइंग गेस्ट ने किराया नहीं दिया तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है? तो किसने रखा था उसे? हा? किसने रखा था? मैं तो उस नलायक को शुरू से नहीं रखना चाहता। तो फिर हाँ क्यों कहा था? क्योंकि मेरा खाना पीना सोना सब हराम कर दिया था तुमने। अब
तुम इसलिए उसे यहां रखना चाहती थी क्योंकि तुम्हारा भाई उसे अपने घर से बाहर निकालना चाहता। अब मैं ना बोल रहा था इसलिए तुम्हारी माँ हाँ बोल रही थी, और ताई इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि वो उसकी दादी को बचपन से जानती थी। फाइनली मुझे भी हाँ कहना पड़ा, अगर मैं ना कहता तो मुझे किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना पड़ता। ये लो हर खर्च, लेकिन बाद में मुझे पूरा डिटेल में हिसाब दे देना। वैसे घर खर्च के अलावा तुम जो खर्चा करते हो वो किसी हिसाब में नोट होता है? तुम्हें उससे क्या लेना देना? सही है, वैसे ही जैसे मेरी बच्ची के एजुकेशन से मेरा कोई लेना देना नहीं। वैसे क्या डिसाइड किया तुमने? रश्मि मुंबई जाएगी 15 दिनों के अंदर। वो रहेगी कहाँ? मेरे दोस्त तो बहुत गया। वो आर्य समाज जी? हाँ, पर वैसे भी कानून यही कहता है कि बच्चों की परवरिश उनके पिता के धर्म के अनुसार होनी चाहिए। और माँ का इसमें कोई से नहीं? नहीं, उसने अपने सारे अधिकार पति को सौंप दिए और वो उसकी सुरक्षा का भार उठाता है। उसका अपने बच्चे पर कोई अधिकार नहीं? नहीं, जब एक बार सौदा हो गया तो फिर कैसा अधिकार? अगर बच्चे के माँ बाप कोई कॉम्प्रोमाइज करें और अग्री हो जाए तब तो। कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब हुआ? अरे मैं चाहता हूँ कि रश्मि यहाँ से बाहर जाए, मुंबई जाए। तुम चाहती हो कि वो यहीं कहीं पुणे के आसपास रहे, तो फिर बीच का रास्ता तो यही हुआ ना कि वो कहीं खोपोली या पनवेल में रहे। कुछ देर पहले गणेश आया था, क्या काम था उसे? वो उसके और मेरे बीच की बात है। जिसे सारा घर जानता है। अच्छी बात है, तुम्हें भी पता चल गया। हाँ, तो तुमने क्या जजमेंट दिया? कानून तो उसने बहुत साफ बात कहता है, पर कानून ये नहीं कह सकता कि बच्चे का बाप कौन है। वो तो बताया जा सकता है। ये बात पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। कमाल है, बच्चे के बाप का पता नहीं चल सकता क्या? अरे ऐसा कहते हैं। हद है, तो फिर ये कैसे होता है कि औरत के बच्चे के ऊपर उसके बाप के अधिकार ज्यादा है? क्योंकि वो जिम्मेदारी लेता है, या यूं कहो कि उसके ऊपर जिम्मेदारी लाद दी गई। शादी के दायरे में बच्चे की पेटर्निटी पर सवाल नहीं होता। कोई सवाल नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अगर बीवी वफादार नहीं है तो? लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। हमें कुछ और कहना है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं ऊपर हूं अपने कमरे में, डॉक्टर जैसे ही आए बता देना मुझे। ठीक है, जैसे ही आए तभी बताना, मैं नहीं चाहता कि उसे इंतजार करना पड़े। नहीं करना पड़ेगा। दीपा? हाँ माँ। क्या हुआ, चाय का दीपा? बस आ रही हूँ। नमस्ते मैडम। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए, मैं तो उम्मीद ही कर रही थी कि आप आए। वैसे महेश बाहर है पर आने वाले हैं। माफ करिएगा थोड़ी देर हो गई मुझे आने में, इस टाइम पे पेशेंट ज्यादा है। वैसे 5 बजे से बैठता हूँ पर तब खाली ही रहता हूँ। बैठिए ना जी। हाँ, आजकल तो जैसे बीमारियों का सीजन आया हुआ है, लेकिन आपके इस छोटी जगह पर आने से हम सब लोगों को राहत की सांस मिली है। महेश आपकी अक्सर तारीफ करते हैं, और एक दो बार क्लिनिक पर भी मैंने देखा कि आप पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। थैंक यू मैडम। वैसे आपकी फैमिली में तो सब सेहतमंद, और अब तो माँ जी की तबीयत भी बेटर हो गई। टच वुड, सब ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रहता ही है। घर की कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें दुनिया से छिपाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर से नहीं। यही वजह है कि मैं आपसे सब सच कहना चाहती हूँ शुरू से। क्या होता अगर हम महेश के आने पे रुक जाते? नहीं, मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले आप मेरी बात सुनें। तो ये उनके बारे में? हाँ, बेचारे महेश के बारे में। बताइए, मेरी मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ। हाँ।
इस बात से कि महेश का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कुछ दिनों में। हाल ही में उनके मीटर से एक मैगजीन में पब्लिश हुए थे, उसे जब मैंने पढ़ा तो मैं दंग रह गया। उन्हें देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि उन्हें कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इशू। सच में काश ऐसा ही हो कि आप सही हो और मैं गलत। आप कहिए उनके बारे में जो कहना चाहती। हो सकता है कि उनका माइंड अलग तरह से इफेक्ट हुआ। उसी का तो खतरा है हम घर वालों को, वो कई बार अजीब और गरीब हरकतें करते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि विद्वान लोग ऐसा करते हैं, पर अपने परिवार की खुशियों की कीमत पर करें तो क्या ये सही होगा? जैसे कई बार दर्जनों किताबें खरीद लाते हैं। ये तो अक्सर होता है। किस तरह की किताबें खरीद? तरह तरह की, और जिन्हें वो फिर पढ़ते भी नहीं। ये तो कॉलेज के साथ होता ही है। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रही है उस पर आपको तो पूरा विश्वास है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक माइक्रोस्कोप से ये पता लगा ले कि दूसरे ग्रह पर क्या हो रहा है? उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा ही कहते हैं वो। एक माइक्रोस्कोप से? हाँ, एक माइक्रोस्कोप से। तो कुछ अजीब है अगर सच है तो। अगर सच है मतलब आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं आपसे अपने घर का एक ऐसा सीक्रेट शेयर कर रही हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं अगर सच है। आपने मुझे अपना समझ के रही, ये तो पता है, नो डाउट। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पहले एग्जामिन करना और तब किसी नतीजे पर पहुंचना। अच्छा, महेश के मूड बहुत बदलते रहते हैं, मूड स्विंग। पूछिए मत, पिछले करीब 20 सालों में एक भी ऐसा फैसला नहीं लिया होगा जिसे बाद में चेंज नहीं किया। दिल्ली है क्या? अपनी चलाना चाहते हैं, और जैसे ही उनकी बात मान ली जाती है वो तुरंत अपना फैसला बदल देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम डिसाइड करो। माइंड का बैकबोन होता है आदमी का, वो कमजोर तो माइंड भी नहीं होता। नहीं जानते कि मैंने क्या क्या झेला इतने साल, कैसे एडजस्ट करती आई हूँ उनकी ऐसी हरकतों के साथ। बताने लग जाऊं तो घंटों लग जाएंगे। मैडम, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना होगा, उनके सामने ऐसा कोई टॉपिक मत डिस्कस कीजिएगा जिसका उनके माइंड पर असर। उससे क्या होगा, और ज्यादा पैसे दिया या मैनियक्स? मतलब उनके शक को ना बढ़ाए? बिल्कुल नहीं। ऐसे पेशेंट बहुत ही वल्नरेबल होते और जल्दी विश्वास। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। क्या हुआ चाय का दीपा? एक्सक्यूज मी, मेरी माँ को शायद कुछ चाहिए। लीजिए, ये भी आ गए। अरे डॉक्टर, तुम आ गए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, मुझे बताया नहीं किसी। आप जैसे विद्वान से मिलकर हमेशा खुशी हो। अरे कहां समय मिलता है नौकरी से, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश जारी है, कुछ नई डिस्कवरीज होती रहे। हाँ, तो है। तुम्हें पता है जो मेट्रो स्टोन्स यहां धरती पर गिरते हैं ना, उनकी स्टडी कर रहा हूं। कार्बन के अलावा भी बहुत कुछ है इसे लाइफ का सोर्स कहा जा सकता है। और ये आप माइक्रोस्कोप से देख पाते? अरे नहीं भाई, स्पेक्ट्रोस्कोप से। ओहो हाँ, और बहुत जल्द आप ये भी पता लगा सकते हैं कि इस वक्त जुपिटर पर क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या हो रहा है वो नहीं, क्या हुआ था। जर्मनी के एक बहुत बड़े पब्लिशर से कुछ जरूरी बुक्स मंगाई थी,
पर देखो 2 महीने हो गए अभी तक नहीं आई। ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे पब्लिशर्स मेरे खिलाफ। मैं अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि दूसरे स्कॉलर्स ने क्या काम किया। ये जो डिले होता ना, इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये सब तो होता ही रहता है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं तो बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे भी तो अपने कुछ डेडलाइंस हैं, उनका क्या करूं। खैर तुम ये बताओ कि तुमने क्या फैसला लिया भाई, यहां रहना पसंद करोगे या अपने डॉक्टर्स फ्लैट में? आप जो ठीक समझे। नहीं नहीं, जो तुम ठीक समझो आप ही डिसाइड। नहीं नहीं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। तुम बताओ क्या प्रेफर करोगे भाई। मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। अरे यार कैसे आदमी हो तुम, अपने लिए क्या सही है क्या नहीं इसका फैसला नहीं कर सकते? अगर मुझे ही फैसला करना है तो मैं यहां रहना प्रेफर करूं, इसी बहाने आपके आसपास रहूं। थैंक्स डॉक्टर, सॉरी मैंने थोड़ा सख्त होकर पूछा। एक्चुअली ना मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती है जब कोई ये कहता है कि मेरे लिए सब बराबर है। ताई, ताई, हाँ सर, ताई मैंने तुमसे कहा था ना वो ऊपर वाला कमरा तैयार रखना, डॉक्टर साहब आएंगे रहने के लिए। तुमने साफ किया वो कमरा? हाँ सर। बहुत अच्छे, तो डॉक्टर मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा भाई, तुम थक भी गए होगे, तुम चाहो तो ऊपर आराम कर सकते, सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट पर। ओके गुड नाइट डॉक्टर। दीपा ने तुम्हें इस घर के हालात के बारे में कुछ बताया होगा? हाँ कुछ हिंट्स तो दे रही थी वो। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। क्या बात है, कुछ कहना था? लेकिन तुम सिर्फ मुझे सुनोगे अभी। ठीक है बोलो, बिना गुस्सा किए तो सिर्फ तुमको ही सुन सकता हूँ। तुम्हें नहीं लगता रश्मि को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उसे बंद करना चाहिए? इसको एक माँ के दिल के बारे में सोचो, जरा एक बाप के दिल के बारे में भी सोचो। अरे उसके पास तो हजार चीजें हैं सोचने के लिए, पर एक माँ के पास बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं गलत हूँ? ना ना ना, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तुम ये नहीं समझती कि मैं क्या चाहता हूँ। रश्मि मेरी बेटी है, मैं उसे अपने जीन्स इंटेलेक्ट टैलेंट सब देना चाहता हूँ, सब। ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आती, पर इतना चाहती हूँ कि आप मैडम की बात मान जाओ। मेरा भला नहीं सोचती तुम? ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, बचपन से देखभाल करती आई हूँ आपकी, आपको अपनी गोद में खिलाया है। मैं भी इस बात को भूला नहीं हूँ ताई कि तुम मेरी माँ जैसी ही हो। ताई अब तक तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम दुश्मन का साथ दे रही हो। दुश्मन का साथ? हाँ दुश्मन, तुम घर के हालात के बारे में अच्छे से जानती, सालों से देखा है सब। देखा तो है, आप दोनों सबके साथ इतने अच्छे हैं, फिर क्यों ऐसे एक दूसरे के पीछे पड़े हैं? दीदी तो इतना झगड़ा किसी के साथ नहीं करती। सिर्फ मेरे साथ करती है, सिर्फ मेरे साथ। एक बात कहता है, इस बार अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो देख, ये सब मेरे खिलाफ कुछ कर रहे हैं,
वो डॉक्टर के भरोसे के लायक नहीं है। अब लो, तुम सब कुछ शक की नजर से देखते हो, थोड़ा तो भरोसा रखो और सबसे ज्यादा भगवान पर भरोसा रखो। तो मंदिर जाओ, तुम पूजा करो, भगवान को खुश रखो, थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी सबूरी। ताई, तुम जब जब भगवान का जिक्र करती हो ना, मुझे बहुत ही बेवकूफ दिखती। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ने तुम्हें बहुत घमंडी बना दिया है, पर आखिरी वक्त में धर्म ही काम आता है। आखिरी वक्त जैसा कुछ नहीं होता है, पर पढ़ाई लिखाई से तुम्हें कुछ नहीं लेना देना। ना ना ना, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ। अब तुम तकलीफ में रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सॉरी ताई, कुछ ज्यादा ही भूल गया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ताई, इस घर में कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो तबाही की तरफ ले जाएगा। कौन है? कौन चीखा? पापा, पापा, मुझे बचाओ! क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे बताइए पापा, मारेगी मुझे, जरूर मारेगी। कौन मारेगी? कौन? जल्दी बताओ, कौन मारेगी? नानी, गलती मेरी ही थी, मैंने उनसे झूठ बोला। क्या हुआ था? बताती हूँ, पर आप कुछ नहीं कहोगे उनको, प्रॉमिस करो कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। नहीं कहूंगा बेटा, तुम बताओ क्या हुआ। वो क्या करते हैं, शाम को लैंप नीचे करते हैं और मुझे टेबल पर बैठना होता है, हाथ में पेन लेकर और साथ में पेपर की शीट। फिर वो आत्माओं का आदेश देती हैं कि वो आए और कुछ लिखवाए। बाप रे, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। सॉरी, मेरी हिम्मत नहीं हुई। नानी कहती है कि आत्माएं बदला लेती हैं अगर उनके बारे में किसी और को बताएं। अपने आप चलता है और मुझे पता नहीं कि मैं लिख रही हूँ या नहीं। कभी बहुत अच्छी तरह चलता है और कभी पेन चलता ही नहीं। पापा, पता है पापा, जब मैं थकी होती हूँ पेन नहीं चलता, लेकिन मुझे फिर भी कोशिश करनी पड़ती है। अभी शाम को मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा लिख रही हूँ, क्योंकि एक फ्लो में लिख रही थी, लेकिन नानी ने कहा कि मैं चीटिंग कर रही हूँ और अपने मन से लिख रही हूँ। रो, बहुत गुस्सा हो। तुमको लगता है बेटा कि तुम्हारे जैसी कुछ चीजें होती है? मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन नानी कहते कि आप नहीं समझते। अच्छा, और क्या क्या कहती हैं वो? वो कहती है कि आपको जादू नहीं आता। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे जादू आता। नानी कहती है कि कुछ है जो वो देख सकती हैं और आप नहीं। तब मैं ये कहूंगा कि वो झूठ बोलती हैं। नानी झूठ नहीं बोलती। ऐसा क्यों? तो फिर मम्मा भी झूठ बोलती हैं। अगर आप ये कहोगे कि मम्मा झूठ बोलती है तो मैं नहीं मानूंगी। लेकिन ये तो मानोगी कि तुम्हारे अपने भविष्य के लिए तुम्हें यहां से बाहर जाकर स्टडीज करनी होगी। हाँ, ये मानोगी तुम मुंबई जाकर पढ़ाई करना चाहोगी? जरूर जाना चाहूंगी, कहीं भी। यहाँ तो लाइफ बड़ी डल और बोरिंग है, पर आपसे बीच में मिलने आए करूंगी, या फिर आप आ जाया करना। मेरी प्यारी बच्ची। पापा, आप मामा से प्यार से बात किया करो, वो बहुत रोती है।
तो तुम पक्का मुंबई जाओगी और वहां रहोगी? ओह यस प्लीज। और अगर मम्मा तुम्हें ना जाने दे तो? वो जाने देंगे। नहीं, मान लो नहीं जाने दिया। वो जरूर जाने देंगे, वो क्यों रोकेंगी? तुम पूछोगे उनसे? नहीं, आप पूछो, लेकिन प्यार से। उनका तो मुझ पर ध्यान ही नहीं है। अच्छा मान लो तुम चाहती हो, मैं चाहता हूं, लेकिन मम्मा नहीं चाहती, तब क्या करें? फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा आप दोनों क्यों नहीं आपस में बात करके डिसाइड कर लेते हैं? अरे अरे तुम यहाँ हो रश्मि? अच्छा होगा कि हम इसी के मुंह से सुन लेते हैं कि वो क्या चाहती, आखिर है तो उसी का फ्यूचर। वो अभी बच्ची है, उसे क्या पता फ्यूचर के बारे में। तुमने और मैंने दुनिया देखी है, आसपास की लड़कियों को अपना करियर बनाते भी देखा। बेहतर होगा कि हम दोनों ही डिसाइड करें। जब हम दोनों के फैसले अलग हैं तो रश्मि के बोर्ड से डिसीजन हो सकता है। नहीं, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहता, कोई औरत कोई बच्ची मेरे अधिकारों को छीन। तुम अंदर जाओ रश्मि। ओके पापा जी। तुमने उसे बोलने नहीं दिया, तुम जानते हो कि वो मेरी तरफ है। मैं ये जानता हूँ कि वो भी मुंबई जाना चाहती, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तुम उसका माइंड चेंज कर सकते। अच्छा इतनी ताकतवर हूँ मैं? हाँ, जब तुम अपनी मनमानी पर उतर आती हो ना तो तुम में असुरी शक्तियां आ जाती है। तो रश्मि मुंबई जा रही है 15 दिनों के अंदर। ये आखिरी फैसला है? हाँ। रश्मि से कह दिया? हाँ। तब तो मुझे इसे रोकना होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि माँ अपने बच्चे को ऐसे घर में रहने देगी जहाँ उसे ये सिखाया जाएगा कि उसकी माँ ने सब गलत सिखाया है, ताकि वो बेटी सारी जिंदगी अपनी माँ से नफरत करती रहे? और तुम समझती हो कि एक पिता अपनी बच्ची का भविष्य मूर्ख और जिद्दी औरतों के हाथ में देना चाहेगा? एक पिता को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा क्यों? क्योंकि एक माँ बच्चे के ज्यादा करीब होती है। कोई भी दावे से ये नहीं कह सकता कि बच्चे का पिता कौन है। अभी सबका हमारे मुद्दे से क्या लेना देना? सिंपल, तुम नहीं जानते कि रश्मि के असली पिता तुम हो। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं। कोई नहीं बता सकता, तो तुम भी नहीं बता सकते। क्या मजाक है? मजाक नहीं है, तुम्हारा ही लॉजिक अप्लाई कर रही है। वैसे भी तुम ये पक्का कैसे कह सकते हो कि मैंने कभी तुम्हें चीट नहीं किया? अगर ये सच होता तो तुम इस तरह से नहीं कहती। मान लो रश्मि को अपने साथ रखने के लिए मैं ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाऊं कि मेरा घर छूट जाए, मेरी बदनामी हो। मान लो मैं ये सच कह रही हूँ कि रश्मि मेरी बच्ची है, तुम्हारी नहीं। बंद करो अपनी बकवास। मान लो कि ये सच है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम प्रूव कर सको कि मैं पिता नहीं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम चाहते हो कि मैं प्रूव करूं? तुम बेकार की बातें करोगे। मुझे सिर्फ असली पिता के डिटेल्स देनी है, जैसे कि नाम, जगह एक्सेट्रा। रश्मि कब पैदा हुई थी? हमारी शादी को 3 साल हुए थे और फिर भी बकवास बंद करोगी या क्या? ठीक है, नहीं करते इस पर कोई भी बात। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लो। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा मजाक उड़े। ये सब इस घर की बदकिस्मती। इससे तो तुम और भी बेचारे नजर आते। पर तुम
हम औरतों को समझदारी से मैनेज करना है। कभी तो उसे लड़ नहीं सकती। अपने सुपीरियर से लड़ना ही क्यों? सुपीरियर? हाँ, सुपीरियर। मुझे हमेशा लगा कि मैं आदमी से सुपीरियर हूँ। एक दिन तुम्हें अपनी टक्कर का कुछ जरूर मिलेगा। इंतजार रहेगा उसका मुझे। खाना लगा दिया है सर और दीदी, आ जाओ। हाँ ताई, तुम आ रहे हो? खाने का मन नहीं है। ओह, कुछ हुआ क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भूख नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ, नहीं तो सब कुछ अलग ही सोचेंगे। डिफिकल्ट मत बनो, चलो आ जाओ। ठीक है, अगर नहीं खाना है तो बैठो ये। अरे क्या हुआ? पता नहीं कुछ। तुम मुझे समझा सकती हो कि तुम औरतें एक बड़े आदमी को बच्चे की तरह कैसे ट्रीट कर लेती? शायद इसलिए कि तुम सब औरत से ही तो पैदा हुए हो। कोई इतना ही बड़ा हो या छोटा, औरत के लिए तो बच्चा ही होता है। और आदमी से कोई औरत नहीं जन्मी, रश्मि ने मुझसे जन्मी, मुझसे। भाई तुम इस बात को मानती हो? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? देवा रे देवा, रश्मि के पापा तुम ही हो। चलो अभी खाना खा लो, ऐसे परेशान नहीं होना चाहिए। चलो चलो उठो अभी। Get out of here, woman. Go to hell. तुम सब की सब dying. गणेश! जी सर। गणेश, कहाँ हो तुम? जी सर, यहाँ हूँ। गाड़ी में पेट्रोल है ना? पेट्रोल है सर। जल्दी चलो। ठीक है सर। खाना तो खा लेते सर। Get up, woman. At once. भगवान, अब क्या होगा? विठला रक्षा करा, रक्षा करा विठला। रात से पहले आने की उम्मीद मत करना। हाँ ही, रक्षा करो, रक्षा करो, इस घर पर अपनी कृपा बरसाओ। रक्षा करो बप्पा, रक्षा करो।